एक किलो चिकन लिया है और अच्छे से मैंने वॉश करके लिया है। और अब डालूंगी अदरक लहसुन 2 चम्मच। और नमक लेती हूँ 2 चम्मच। और लेते हैं हल्दी 1 चम्मच। और मिर्ची लेती हूँ 4 चम्मच, लाल मिर्ची। और 2 टमाटर काट के पीसेस करके रखती हूँ, ये सब डाल दूँ। और 4 हरी मिर्ची। और दही ली हूँ 1 कटोरा, 200 ग्राम। गरम मसाला 1 चम्मच। अब कर रही हूँ चिकन बिरयानी का मसाला 1 चम्मच। और चिकन मसाला 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और इलायची ऐड कर रही हूँ 5। और दालचीनी कर रही हूँ 2-3 पीसेस छोटे छोटे करके डालने का। और काली मिर्च डालने की 10 से 12 ऐड कर रही हूँ। एक लवंग भी डालने 10 से 12 ऐड कर रही हूँ। ऑनियन का 5 डली ले लिया मैंने। पहले मैंने ऑनियन लिया है, फ्राई करा मैंने तेल में अच्छा, और उसको अच्छा थोड़ा सा सुखाने देना, थोड़ा सा कुछ ये होना। और मैं इसमें थोड़ा सा इसमें डालूंगी, ऊपर डालने के वास्ते थोड़ा सा रखूंगी। ऑनियन 5 से 6 लेना, उसका अच्छा सा काट के फ्राई कर लेना। और तेल ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच। उसका अच्छा सा मसाज कर लेना 5 मिनट। और नींबू ऐड कर रही हूँ, 1 नींबू डालना। कोथिमीर डालना उसके ऊपर से थोड़ा सा, और पुदीना भी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा सा उसको मिक्स कर लेना और आधे घंटे के वास्ते रख देने का रेस्ट के वास्ते। उसके बाद में मैंने अच्छा सा मसाला लगा लिया है और आधा घंटे का उसको रेस्ट रखेंगे। फिर उसके बाद उसको नमक मिर्ची सब कुछ अच्छा सा खींच लेता है, उसको नमक मिर्ची लग जाता है आधा घंटे रखे तो उसको अच्छा। मैंने पतीला रखा है, उसके अंदर 1 चम्मच तेल डालना और साजिरा लौंग दालचीनी तेज पत्ता डाल देना का, उसको बॉल आए तक रखने का। और 2 चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर पानी के अंदर, 2 लीटर पानी डाला है इसके अंदर। आप देखो पानी अच्छे से गर्म हो गया है। और चावल मैं 1-10 मिनट भिगा के रखे, धो के अच्छे से 2-3 पानी से धो के भिगा के रखी। अब उसके अंदर डालने और 1 किलो है राइस। अब इसको अच्छा सा पकाएंगे, थोड़ा सा
कच्चा पत्ता पकाने का। अब इसको अच्छे से पक गया है, थोड़ा सा कच्चा पक्का पका लेने का, तो थोड़ा सा पकाएगा अच्छा होगा। और इसका पानी निकालने का, अपने छन्नी लेने का, छन्नी के ऊपर ऐसे डाल देने का, वो पानी पूरा चले जाएगा। सो पानी अच्छे से निकाल लेने का। और अब ये डालने का चिकन के अंदर, ये रेस्ट में निकाला है, उसका पानी निकाल के रखा है ना, अब उसके अंदर डाल देने का चिकन के अंदर। अपन चिकन मसाला लगा के रखा है ना, अब उसको अच्छे से इसके ऊपर थोड़ा सा कोथिंबीर डालेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा कलर, फूड कलर डालेंगे इसके ऊपर से। और उसके बाद थोड़ा सा अपन प्याज भून के रखे थे ना, ये उसके ऊपर डालेंगे। उसके ऊपर से अभी थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 चम्मच, वो गरम प्याज, गरम करके प्याज भून लिया था ना, उसके ऊपर उसका तेल गरम गरम डालेंगे, बस 2 चम्मच। अब उसके ऊपर ढक के 15 मिनट के वास्ते गैस पे रख दिए, स्लो गैस करके। दम बिरयानी करो।